ओके सर, थैंक यू। तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम बात कर रहे हैं लॉजिकल फॉर्मूला की, लॉजिकल कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेटर। हमने लास्ट क्लासेस में समझाया कि मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड पावर। इसी तरह से एक्सेल के अंदर में लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, वो होते हैं इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। सो दिस इज द लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसका यूज क्या है, जैसे आपके सामने वैल्यू है, हम कुछ वैल्यू डालते हैं, इसके सामने हम कुछ वैल्यू डालते हैं। अब मान लीजिए कि इन वैल्यू, इस इनमें से जो वैल्यू डाला है उसमें से मुझे ये चेक करना है कि कौन से वैल्यू ग्रेटर देन 50 है। अब ग्रेटर देन 50 के लिए आपको क्या है कि आप ये कर सकते हैं कि इफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इफ का फॉर्मूला सोल्यूशन नहीं है। मुझे जस्ट पता करना है कि ग्रेटर देन 50 कौन कौन सा है, तो इसको जस्ट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ग्रेटर देन 50 का लॉजिक लगा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ आएगा तो आपका ट्रू एंड फॉल्स है। मतलब कि डायरेक्ट ये लॉजिकल ऑपरेटर को आप अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा। तो इफ का क्या काम, इफ फॉर्मूला का क्या काम है, इफ फॉर्मूला का काम है इस ट्रू एंड फॉल्स को कन्वर्ट करना आपके खुद के रिजल्ट में। जैसे कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे दिया कि अगर ट्रू है तो यहाँ पे ओके आए, नहीं तो पेंडिंग आए। तो इफ फॉर्मूला कहता है कि पहले तुम ट्रू फॉल्स दो, अगर तुम यहाँ ट्रू दोगे तो मैं पहले वाले को शो करूंगा, अगर तुम फॉल्स दोगे तो दूसरे वाले को शो करूंगा। लेकिन जनरली हम लोग डायरेक्ट जो है लगा देते हैं कि इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल देन ओके, अदरवाइज पेंडिंग। अब इसे ध्यान रखिए कि ऐसा लगाने से इसका कोई मतलब नहीं है कि ये जो है इफ का पार्ट है, ये इंडिविजुअल है। यहाँ पे हमने इसको कंबाइंड किया है, यहाँ पे हमने इसको कंबाइंड किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इफ का पार्ट है। तो लॉजिकल ऑपरेटर और इफ फॉर्मूले समझ में आ गया आपको मयूरी जी, अलके जी? यस सर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, हम इफ के कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हम यहां कुछ नेम ऑफ लिस्ट लेते हैं, मुझे इसमें से डुप्लीकेट को फिल्टर करना है। हालांकि तरीके बहुत हैं, बट मैं इफ से करना चाहता हूं। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा शॉर्ट में, कस्टम शॉर्ट, और माई डेटा हैज ए हेडर पे क्लिक करूंगा और इसको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूंगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जितने भी नाम होंगे वो इकट्ठा एक जगह हो जाए। अब मैं यहाँ कंडीशन देता हूँ कि इफ सामने वाली वैल्यू बराबर है ऊपर वाली वैल्यू से, ध्यान दीजिएगा सर मैंने क्या फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, हमने बोला कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो यहाँ पे आ जाए डी मतलब डुप्लीकेट, अदरवाइज यू मतलब यूनिक। हमने बोला कि ए टू इज इक्वल टू ए वन देन डी आए अदरवाइज यू आए, और फिर इसको नीचे की तरफ हम ड्रैग करेंगे। तो यहाँ देखिए अमर और अमर बराबर है इसलिए यहाँ पे डी आया, और जैसे मैं यहाँ देखिए अमर और अमित अलग अलग है तो यहां पे यू आ गया। तो इस तरह की एग्जांपल आप दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं चाहता हूं, ये तो ठीक है, अब इसके अलावा मैं चाहता हूं कि इसमें सीरियल नंबर आ जाए, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 5, फिर वापस 1 2 इस तरह से स्टार्ट।
यहां हम देंगे कंडीशन कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से, तो जहां फॉर्मूला लग रहा है उसके ऊपर प्लस वन दे दे, और फिर नहीं तो वन से स्टार्ट करें। तो यहां पे क्या हुआ कि नेम और अमर दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहां पे क्या हुआ वन से स्टार्ट हो गया। अब नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, अब यहां देखिए फिर वहां पर वापस वन से स्टार्ट। या फिर मैं चाहता हूं कि हर नाम को एक यूनिक नंबर दे दिया जाए, तो यहां भी हम सेम करेंगे कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले वैल्यू से, तो अपने ऊपर वाले में प्लस नहीं है, वैल्यू बराबर है तो ऊपर वाले वैल्यू को ही शो करे, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में प्लस वन कर दे, और इसको नीचे ड्रैग कीजिए, एक सिंगल नंबर दिख गया। अगर अनदर एग्जांपल दिया जाए, तो कभी कभी पिवट टेबल आप लगाते हैं, तो पिवट टेबल में कुछ इस तरह से डेटा आता है, नेम सिटी अमाउंट। कुछ इस तरह के डेटा आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इस डेटा को इस तरह से फिल करना है, ब्लैंक नहीं रखना है, फिल कर देना है। तो इसमें भी हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहां देंगे इक्वल इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है। हमने ग्रेटर देन जीरो क्यों किया, क्योंकि एक्सेल के अंदर में ब्लैंक सेल जीरो माना जाता है, एक्सेल के अंदर में ब्लैंक सेल जीरो माना जाता है, इसलिए हमने यहां पे ग्रेटर देन जीरो दिया। ग्रेटर देन जीरो है तो अपनी ऊपर वाली वैल्यू को शो करे, नहीं तो सामने वाली वैल्यू को शो करे। एक उल्टा कर दिया, माफ कीजिएगा, हमने उल्टा कर दिया। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो अपनी सामने वाली वैल्यू को, सामने की जो वैल्यू है तो सामने की वैल्यू को शो करे, नहीं तो ऊपर की वैल्यू को शो करे, और इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, और फिर इसको कॉपी करेंगे और इसके ऊपर हम पेस्ट वैल्यू कर देंगे, तो क्या होगा यहां पे आपके सामने आ जाएगा, राइट सर। अब मैं चाहता हूं कि सीरियल नंबर की हम बात कर रहे थे, तो हम यहां सीरियल नंबर का एक एग्जांपल चाहेंगे। सीरियल नंबर एग्जांपल ये चाहेंगे कि मेरे पास डेटा है, यहां पे सीरियल नंबर है, यहां पे नेम है, यहां पे सिटी है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो हम जो डेटा एंट्री करते हैं तो कुछ इस तरह से करते हैं कि वन, हमने बोला पूजा सिटी दिल्ली, तो एवरी टाइम हमें क्या करना होता है, यहां सीरियल नंबर देना होता है। मैं चाहता हूं जैसे मैं नेम टाइप करूं, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। तो यहां इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, तो ऊपर वाले इसमें कॉमा यहां देना होगा, कॉमा ऊपर वाली वैल्यू में, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें प्लस वन कर दो, नहीं तो ब्लैंक, मतलब कि ब्लैंक के लिए हमने कोटेशन मार्क को ओपन किया एंड क्लोज किया, तो ये ब्लैंक हो गया, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दे। अब यहां पे हम इंदर, मोहन, रवि इस तरह से टाइप करें। तो एग्जांपल सबको समझ में आ गया, ओके अकेश जी, मयूरी जी, यस सर। अब आप लोग इसके होमवर्क नोट कीजिए। अभी इस फॉर्मूले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है,
कि अगर मैं यहाँ एक रो छोड़ के ब्लैंक कुछ नाम डालूं तो यहाँ पे एरर आएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये एरर आ क्यों रहा है। जब इस चीज को समझ ले कि ये एरर आ क्यों रहा है तो फिर इसका सॉल्यूशन ढूंढिए ताकि एरर के जगह पे 5 नंबर सीरियल आए। मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि जैसे सीरियल नंबर वर्क कर रहा है, सिक्वेंसली लिख रहे हो तो सारा सीरियल दिखेगा, लेकिन जैसे ही एक या दो कॉलम रो ब्लैंक करोगे तो नीचे आपको ये एरर शो करेगा। तो दो चीजें हैं, सबसे पहले आपको ये खोजना है कि एरर आता क्यों है, आया क्यों है, और दूसरा ये एरर ना आके नंबर 5 कैसे आएगा। सेम एग्जांपल पे इसको ढूंढिए, फिर कल की क्लास में हम इस कंडीशन को अगली टॉपिक पढ़ाएंगे। इस कंडीशन बहुत बड़ी टॉपिक है, इसको स्लोली स्लोली और प्रैक्टिस के साथ सीखिए।